भगवान महावीर ने भी अपनी तपोभूमि के लिए बिहार की धरा का ही चयन किया था। इसी के साथ साथ माता जानकी का अवतरण भी बिहार की भूमि पर ही हुआ। सिख पंथ के धर्मगुरुओं ने, एक नहीं अनेकों ने, बिहार की भूमि को ही अपने ज्ञान के लिए और साधना के लिए उसको ही चुना था। महात्मा गांधी हो या हमारे किसान आंदोलन के प्रणेता सहजानंद सरस्वती जी हो, इन्होंने भी बिहार के लोगों में विशेष ऊर्जा को देखकर उसे ही अपना कार्य क्षेत्र चुना था। तो बिहार की भूमि ने एक नहीं अनेकों ऐसे महानुभावों को जन्म भी दिया, आगे बढ़ने का अवसर भी दिया। और मित्रों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि लगभग आधे विश्व पर हमने सांस्कृतिक उपनिवेश कायम किया है, और सांस्कृतिक उपनिवेश का मतलब है कि हमने विश्व को अपने विचारों के ज्ञान से सींचा है और